नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाई अमित पे। साथियों, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेशन जो हम ले रहे हैं यहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस के साथ वो आपको पसंद आ रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लगातार आप देख रहे होंगे कि हम एक के बाद एक साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे अपने इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं और आपके कमेंट देखकर ये पता चल रहा है कि आपको सेशन अच्छे भी लग रहे हैं। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। दोस्तों, साइंस के जो क्वेश्चन हैं प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। जैसे आने वाली जो भर्ती परीक्षा है रीट, उसको ध्यान में रखते हुए स्पेशल मान के चलिए आप कि रीट के अभ्यर्थियों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हीरा और ग्रेफाइट में ऊष्मीय रूप से अधिक स्थायी कौन है? आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन ये कहता है, हीरा और ग्रेफाइट में ऊष्मीय रूप से, किस रूप से? ऊष्मीय रूप से अधिक स्थायी कौन है? अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आप डायरेक्ट आप दे सकते हैं। मैं आपको सीधे बता देता हूं, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ग्रेफाइट। क्या होगा? ग्रेफाइट होगा। एलडीसी 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, हीरा और ग्रेफाइट में उष्मीय रूप से अधिक स्थायी कौन होता है? तो अधिक स्थायी जो होता है वो कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। और यदि पूछ लिया जाए कि कम स्थायी कौन होता है तो आपका कम स्थायी कौन रहेगा? हीरा रहेगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे एक बात और कर लेता हूं, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? आपका अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। इस बात का पता आप किससे चला पा रहे हैं कि ये अधातु होता है? ये जो अधातु होता है वो इसलिए होता है कि क्योंकि ये किससे मिलकर के बना होता है? कार्बन से मिलकर के बना होता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही किसके अपर रूप होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं। और ये कार्बन के अपर रूप होने के कारण ये क्या है कि दोनों ही क्या है? अधातु है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन तीनों क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। किसके? कार्बन के। तो ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? अधातु है। अधातु है, लेकिन अब आपने अधातुओं की एक विशेषता पढ़ रखी है। अधातुओं की विशेषता ये होती है कि ये विद्युत के क्या होते हैं? अधातुओं की विशेषता ये होती है कि ये विद्युत, विद्युत समझ गए, लाइट, विद्युत के क्या होते हैं? ये कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ये कुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कौन होते हैं? जितनी भी अधातुएं होती हैं, जितनी भी क्या, जितनी भी अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रेफाइट है, ये जो आपका क्या है? ग्रेफाइट है। ये इसके रूप में एक अपवाद है। क्या है ये आपका? ये आपका एक अपवाद है। ठीक है, अपवाद है। क्यों है अपवाद? इसका भी एक कारण है। ग्रेफाइट जो होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? उसके अंदर पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो गति है, जब हम विद्युत धारा के कुछ क्वेश्चन करेंगे वहां पे मैं आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में बताऊंगा और वहां पे आपके ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए आप इतना याद रखें कि ये जो ग्रेफाइट है ये क्या होता है? उष्मीय रूप से तो अधिक स्थायी होता है। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उष्मीय रूप से अधिक स्थायी वाला। और ये जो विद्युत के कुचालक वाला है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं क्योंकि ये एक अपवाद है। क्या है? ये एक अपवाद है। अपवाद इसलिए है क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसी भी पदार्थ के अंदर, यदि मान लो कोई भी पदार्थ, आप एक्स वाई जेड कोई भी आप पदार्थ ले लो, यदि वो पदार्थ क्या है? वो पदार्थ यदि आपका क्या है? सुचालक है। यानी कि उस पदार्थ के अंदर से धारा लगातार बिना रुके बह रही है, वो क्या होगा? वो आपका क्या हो जाएगा? यानी कि इसका मतलब क्या होगा? यदि एक पदार्थ सुचालक है, यदि एक पदार्थ क्या है? सुचालक है। सुचालक है, इसका मतलब ये होगा कि उस पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। यानी कि यदि एक पदार्थ सुचालक है, पदार्थ की बात अलग होती है और एक परिपथ के अंदर धारा जो होती है वो अलग तरीके से बहती है। वहां पे अपना विभवांतर काम कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपका कौन काम कर रहा होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन काम कर रहा होगा। ठीक है,
तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होने के कारण ही क्या होगा, क्या होगा, ये ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को एक बार आप स्किप करें, क्योंकि ये हम धारा के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जब हम धारा के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वहां के आपके ये और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपके 2-3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और ये कार्बन का अपरूप होता है, ये बात भी ध्यान में रख लेना। और कार्बन का कैसा अपरूप होता है, ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है। क्या होता है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है। उपयोग आपको पता ही होगा इनका, हीरे का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, कांच काटने में होता है, एक आपकी फोनोग्राम की सुई बनाने में होता है। किसकी सुई बनाने में, फोनोग्राम की सुई बनती है इससे, ठीक है, कांच काटने में होता ही है। और हीरे की अंगूठे बनती हैं, ठीक है, नगीनेदार अंगूठी बनती है हीरे की। और ग्रेफाइट का उपयोग आप जानते ही होंगे, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, पेंसिल में होता है, किसमें होता है, पेंसिल में, पेंसिल जान के, पेंसिल नसीब साढ़े लिखे रब ने, कच्ची पेंसिल, वही कच्ची पेंसिल आई, ठीक है। तो पेंसिल के अंदर जो आप काला काला एक पदार्थ देखते हो, वो काला पदार्थ क्या होता है, वो काला पदार्थ क्या होता है आपका, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। और इसका कोई उपयोग देख लो आप, इसका उपयोग आप स्नेह, सॉरी, ग्रेफाइट का जो उपयोग है वो आप ग्रीस करने में करते हो, जो ग्रीस होता है ना आपने, एक सेकेंड, क्या ग्रीस समझ गए, ग्रीस होता है ना टायरों के बेयरिंग के अंदर करते हैं ग्रीस, वो ग्रीस करने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे आप शुष्क स्नेहक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विज्ञान की भाषा में जिसे आप शुष्क स्नेहक भी बोलते हैं, शुष्क स्नेहक के रूप में इसका उपयोग होता है। और भी इसके उपयोग होते हैं, जैसे नाभिक के विखंडन अभिक्रिया हो रही होती है, तो ग्रेफाइट का उपयोग वहां पे हम मंदक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, मंदक के रूप में करते हैं। और बाकी मंदक वगैरह क्या होते हैं, ये न्यूट्रॉन की जो गति वाला सिस्टम है, ये हम नाभिक के विखंडन के बारे में जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विद्युत बल्ब में गैस क्या है, विद्युत बल्ब में गैस पूछी गई है आपसे, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो इसका डायरेक्ट आप आंसर ध्यान में रखें, इसमें आर्गन गैस भरी हुई होती है। कौन सी गैस भरी हुई होती है, आर्गन गैस भरी हुई होती है। और ऑर्गन जो होती है वो आपकी एक प्रकार की एक्रिय गैस होती है। कौन सी गैस होती है आपकी, एक्रिय गैस होती है, ठीक है। विद्युत बल्ब समझ गए, जैसे इस प्रकार की आकृति होती है विद्युत बल्ब की, ठीक है, ये आपकी हो गई इसकी आकृति, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पे आपको ये निर्वात सा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कौन सी गैस भरी हुई होती है, आपकी ऑर्गन गैस भरी हुई होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है इसका फिलामेंट। क्या होता है ये होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। क्या होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो ये विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन नाम की एक धातु होती है। किस नाम की होती है, टंगस्टन नाम की एक धातु होती है, उसका बना हुआ होता है। और टंगस्टन क्यों पूछा जाता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है वो होता है डब्ल्यू। क्या होता है, डब्ल्यू। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह ध्यान में रखें, टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह होता है क्या, डब्ल्यू होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। इसकी जगह मान लो ऐसे पूछ ले, जो ट्यूबलाइट होती है, ठीक है, ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी हुई होती है, तो ट्यूबलाइट के अंदर आप कौन सी गैस भरेंगे, पारे की वाष्प के साथ, पारे की वाष्प, और उसके साथ आप कौन सी गैस भर सकते हो, आर्गन गैस भर सकते हो। साथ में आपको क्या डालना पड़ेगा, इसमें पारे की वाष्प डालनी पड़ेगी, ठीक है ना, पारे की वाष्प के साथ ऑर्गन गैस इसमें भरी जाती है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पानी के अंदर वायु के बुलबुले का व्यवहार। क्या बताना है आपको, पानी है,
क्या है? आपके पास पानी है, एक पात्र है, एक पात्र में यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, एक पात्र है उसमें यहां तक पानी भरा हुआ है। इसके अंदर मान लो एक हवा घुस गई, ठीक है, यहां पे मान लो एक हवा आ गई, ठीक है ना। पानी के अंदर वायु के बुलबुले का व्यवहार कैसा होगा? तो देखिएगा, आपको इसमें दो बातें याद रखनी है। पानी के ऊपर, आप पहले ऊपर वाला समझ लो, अंदर वाला उसका उल्टा होगा। यदि मान लो यहां पे हवा घुस जाती है ऊपर वाली परत पे, तो यहाँ पे जो हवा का बुलबुला बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, भाई ऊपर उठा हुआ ही तो बनेगा, भाई पानी है, क्या है इसमें, पानी है, पानी के अंदर हवा घुस गई तो ऊपर जो पानी की सतह के ऊपर जो बुलबुला बनेगा वो इस प्रकार से ही तो बनेगा। भाई अपन दैनिक जीवन में ये बातें देखते ही देखते हैं, बाल्टी के अंदर पानी डाला, पानी डालते आपने देखा कि ऊपर कुछ बुलबुले हैं तो ऊपर आपको उठे हुए दिखाई देते हैं, तो ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है आपको? ये आपको दिखाई दे रहा है उत्तल लेंस की भांति। किसकी भांति दिखाई दे रहा है? उत्तल लेंस की भांति दिखाई दे रहा है। लेकिन अंदर जो बनेगा, यानी ये हवा बहुत अंदर तक चली गई है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो व्यवहार होगा वो कौन सी लेंस की भांति होगा? अवतल लेंस की भांति होगा। तो पानी के अंदर ए मानी, भाई ए माने अंदर और ए माने अवतल, ऐसे अंदर ऐसे अवतल, ये याद रख लियो, ऐसे अंदर और ऐसे अवतल, उसे ऊपर और उसे उत्तल लेंस, याद रहे जैसे, ठीक। तो आपको कैसे भी करके ये क्वेश्चन को याद रखना है, आप ट्रिक्स से करें, मायने नहीं रखता आप क्वेश्चन को कैसे याद करते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही करके आते हैं या नहीं करके आते हैं। आपको वहां पे क्वेश्चन का पूरा आंसर लिख के नहीं आना है, निबंधात्मक प्रश्न आपके नहीं आने वाले हैं, आपके सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, चार ऑप्शन आएंगे, उनमें उनमें से आपको चूज करना है, और उनमें भी आपको ये लिख के नहीं आना है, उसमें भी आपको ऐसे मार करके आना है, ठीक है ना। तो अच्छे से आप इसे समझिए, चीजों को आप पहचानिए, पानी के अंदर है तो ए माने अंदर और ए माने अवतल, पानी के ऊपर है तो ऊ माने ऊपर और ऊ से उत्तल, तो अंदर किसकी तरह व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति करेगा, और ऊपर किसकी भांति व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो ये अपना आज का जो छोटा सा सेशन था उसमें दो तीन क्वेश्चन थे, उनके बारे में पूरी व्याख्या थी। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अवश्य पसंद आएगा और आपके लिए कारगर साबित होगा, ठीक है। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम बनाते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।